नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, ऐसे में सियासी सरगर्मी भी बढ़ चुकी है क्योंकि विपक्ष के पास अब की बार काफी मुद्दे हैं जिसके चलते वो सरकार को घेरने का काम कर सकती है। इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, मॉनसून सत्र चल रहा है, क्या लगता है आपको कि किस तरह के मुद्दे विपक्ष उठाने वाला है? जी श्रद्धा, जिस तरह से हम देख रहे हैं जो विधानसभा का जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है उसका मानसून सत्र शुरू हो चुका है। बात करें विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन की, तो इसमें हमने जिस तरह देखा जो कांग्रेस थी उन्होंने सबसे पहले महंगाई का मुद्दा उठाया। रेगांव से जो कांग्रेस की विधायक है कल्पना वर्मा, वह टमाटर और मिर्ची की माला पहनकर आई और उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के जरिए 1000 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, लेकिन इसी तरह से महंगाई को लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं और ये जो 1000 रुपया है वह नींबू मिर्ची या हम कहें कि टमाटर खरीदने में ही चला जा रहा है। तो इस तरह से जो पहला दिन था विधानसभा सत्र का उसमें महंगाई का मुद्दा छाया रहा। हालांकि उसके बाद की बात करें, जिस तरह से सत्र जब शुरू हुआ उसमें सबसे पहले सीधी कांड का मुद्दा उठाया गया। जो कांग्रेस के विधायक है कांतिलाल भूरिया, उन्होंने यह मुद्दा उठाया। तो इसके बाद गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम जो कि संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति ली कि सबसे पहले वंदे मातरम का गान होता है, वंदे मातरम के गान के बाद ही कार्रवाई शुरू होती है। इसके बाद पूर्व मंत्री जो सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने भी हस्तक्षेप किया। हालांकि इस दौरान हंगामा चलता रहा और हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने 5 मिनट के लिए विधानसभा को स्थगित कर दिया। हालांकि जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो उसमें भी यही मुद्दा छाया रहा और पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते दिखाई दिए। सत्ता पक्ष ने भी कहा कि जिस तरह से जो अपराधी है उस पर कार्रवाई कर दी गई थी, उसके घर को ढहा दिया गया था और अभी वह जेल में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो विधानसभा का सत्र का जो पहला दिन था उसमें सीधी कांड पूरी तरह से छाया रहा। हालांकि उसके बाद जब हंगामा चलता रहा तो विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कल तक के लिए विधानसभा को स्थगित कर दिया। तो हम देखेंगे, जिस तरह से आपने पूछा कि मुद्दा क्या रहेगा, तो अब की बार हम देख सकते हैं आदिवासी जो अस्मिता है वह मुद्दा छाया रहेगा विधानसभा सत्र में। जी, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इस सत्र को माना जा रहा है और जो भी बड़े बड़े मुद्दे हैं वो काफ़ी इस सत्र में उठाए जा रहे हैं। सरकार को घेरने की विपक्ष एक भी कोशिश जो है वो नहीं छोड़ रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? जी बिल्कुल, जिस तरह से बात करें जो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसका जो अंतिम सत्र कहेंगे तो यह मानसून सत्र है। इसी मानसून सत्र से जो एजेंडा तय होगा सत्ता पक्ष और विपक्ष का, वही विधानसभा चुनाव तक जाएगा। बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष अब की बार जो सीधी कांड का मुद्दा है SC ST वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश करेगा। हाँ। और जिस तरह से SC ST वोटर्स के साथ जो अत्याचार की बात की जा रही है उसको लेकर हमने देखा कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से भी मिलने पहुंचा था। तो यह जो सारा मुद्दा है जो कांग्रेस गरमाने की कोशिश कर रही है, तो विधानसभा सत्र में जो अंतिम सत्र कहा जाएगा इस सरकार का, उसमें हम देखेंगे इससे कांग्रेस जो सीधी कांड है उसको गरमाने की कोशिश करेगी और SC ST वोटर्स को साधने की कोशिश करेगी। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी अब की बार में हुक्का बार पर एक विधायक लेकर आई है और उसको पूरी तरह से पारित कराई लेगी। और जिस तरह से हमने देखा उमा भारती नशा मुक्ति को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, तो इस तरह से बीजेपी जो आगामी जो समय है उसमें जो विधानसभा चुनाव है इसमें जिस तरह से हुक्का बार का जो विधेयक लेके आई है, तो हम देख सकते हैं जिस तरह से हाथों को बंद कर दिया गया तो जिस तरह नशा मुक्ति की तरफ भी बीजेपी कोई कदम उठा सकती है और जो लाडली बहना योजना है उसको आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे सकती है। तो बीजेपी की नजर पूरी तरह से महिला वोटर्स पर है और महिला वोटर्स को साधने के लिए लाडली बहना योजना निकाल दी गई है, उन्हें 3000 तक पैसों का लाभ देने की बात की जा सकती है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं जिस विधानसभा सत्र में जो जो भी एजेंडा बढ़ाया जाएगा वही विधानसभा चुनाव तक पार्टियां लेके जाएगी कांग्रेस बीजेपी। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन विधानसभा सत्र चल रहा है और ऐसे में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने वाला है, क्या लगता है आपको इस दौरे से सत्र पर कोई फर्क पड़ेगा? केंद्रीय गृह मंत्री हम कहें जैसे मध्य प्रदेश आ रहे हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा काफी कुछ महत्वपूर्ण है। जिस तरह से अचानक हुआ आए और हमने देखा जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद अचानक ही उनका दौरा तय हो गया और संगठन की बैठक लेने वाले विधानसभा सत्र के पहले ही दिन अगर वो कोई संदेश देते हैं बीजेपी के नेताओं को, तो वह विधानसभा का जो सत्र है उसमें भी काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, उन्हें काफी बड़ा अनुभव है और आगामी विधानसभा जो चुनाव है उसमें उनकी बड़ी भूमिका रहेगी। तो जिस तरह से अगर वो संदेश देते हैं, अगर एकता का संदेश देते हैं जिस तरह से, और जो भी वह एजेंडा आगे बढ़ाने को कह सकते हैं, तो विधानसभा सत्र पर उसका पूरा असर देखने को मिल सकता है। बात करें जो अमित शाह के दौरे की, तो उसको लेकर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफ किया ये दौरा अचानक नहीं था, संगठन के जो दौरे होते हैं वो इसी तरह से तय होते हैं। तो जिस तरह से अमित शाह जो बैठक लेने वाले हैं वो काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगी, विधानसभा सत्र पर भी उसका असर देखा जा सकता है। जी
बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल न्यूज रूम में इतना, फिलहाल एमपी न्यूज में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक लेना। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।